नमस्कार, हिमाचल खबरनामा देख रहे हैं आप। और आज हिमाचल में चुनावों की भी साथ बीत चुकी है और भाजपा और कांग्रेस जो दोनों प्रमुख दल है हिमाचल के, उन्होंने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। जहां पे कांग्रेस ने अभी तक 46 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है, वहीं भाजपा ने 62 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है। आइए आपको बताते हैं कांग्रेस ने किन किन प्रत्याशियों को कहाँ कहाँ से उतारा है। चौहा से यशवंत सिंह खन्ना को कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट दिया है। चंबा से नीरज नैयर को टिकट दिया है। डलहौजी से आशा कुमारी को टिकट दिया है। भटियात से कुलदीप पठानिया को टिकट दिया है। नूरपुर से अजय महाजन को टिकट दिया है। ज्वाली से प्रोफेसर चंद कुमार को टिकट दिया है। जसवा परागपुर से सुरेंद्र सिंह मनकोटिया को टिकट दिया है। ज्वालामुखी से संजय रत्न को टिकट दिया है। नगरोटा बगवा से रघुवीर सिंह बाली को टिकट दिया है। शाहपुर से केवल सिंह पठानिया को टिकट दिया है। धर्मशाला से सुधीर शर्मा को टिकट मिला है। पालमपुर से आशीष बुटेल को टिकट मिला है। बैजनाथ से किशोरी लाल को टिकट मिला है। लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर को टिकट मिला है। कुल्लू से सुंदर ठाकुर जो वर्तमान में विधायक है उनको टिकट मिला है। बंजार से खिमीराम को टिकट मिला है। सुंदरनगर से सोहनलाल ठाकुर को टिकट मिला है। सराज से कांग्रेस के चेतराम ठाकुर को टिकट मिला है जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को टक्कर देंगे। द्रंग से कौल सिंह ठाकुर को टिकट मिला है जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। मंडी से चंपा ठाकुर जो कौल सिंह ठाकुर की पुत्री है। बल्ज से प्रकाश चौधरी को टिकट मिला है। भौरन से सुरेश कुमार को टिकट मिला है। सुजानपुर से राजेंद्र सिंह राणा को टिकट मिला है। बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल को टिकट मिला है। नदौन से सुखविंदर सिंह सुक्खू वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, इनको टिकट मिला है। हरोली से मुकेश अग्निहोत्री वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, उनको टिकट मिला है। ऊना से सतपाल रायजादा को टिकट मिला है। झंडूता से विवेक कुमार को टिकट मिला है। घुमारवी से राजेश धर्मानी को टिकट मिला है। श्री नैना देवी से वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर को टिकट मिला है। अर्की से संजय अवस्थी को टिकट मिला है। दून से रामकुमार चौधरी को टिकट मिला है। सोलन से कर्नल धनीराम शांडिल को टिकट मिला है। कसौली से विनोद सुल्तानपुरी को टिकट मिला है। पच्छाद से कांग्रेस के दयाल प्यारी को टिकट मिला है। नाहन से अजय सोलंकी को टिकट मिला है। श्री रेणुका जी से विनय कुमार को टिकट मिला है। शिलाई से हर्षवर्धन चौहान को टिकट मिला है। चौपाल से कांग्रेस के रजनीश किमटा को टिकट मिला है। औठियोक से कुलदीप सिंह राठौर को टिकट मिला है। कसुमटी से अनिरुद्ध सिंह को टिकट मिला है। शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह को टिकट मिला है। जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर को टिकट मिला है। और रामपुर से नंदलाल को टिकट मिला है। और रोहड़ू से मोहनलाल ब्राक्टा को टिकट मिला है। अभी तक कुल मिला के 46 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं भाजपा ने भी प्रदेश में होने वाले चुनावों के लिए अपनी 62 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इनमें सिराज से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को टिकट दिया गया है। चुरहा से हंसराज को टिकट दिया गया है। भरमौर से डॉक्टर जनक राज को टिकट दिया गया है। चंबा से इंदिरा कपूर को टिकट दिया गया है। डलहौजी से डीएस ठाकुर को टिकट दिया गया है। भटियात से विक्रम जरियाल को टिकट दिया गया है। नूरपुर से रणवीर सिंह को टिकट दिया गया है। इंदौरा से रीता धीमान को टिकट दिया गया है। फतेहपुर से राकेश पठानिया को टिकट दिया गया है। जवाली से संजय गुलेरिया को टिकट दिया गया है। जसवा परागपुर से विक्रम ठाकुर को टिकट दिया गया है। जयसिंहपुर से रविंद्र धीमान को टिकट दिया गया है। सुलह से विपिन सिंह परमार को टिकट दिया गया है। नगरोटा से अरुण मेहरा को टिकट दिया गया है। वहीं कांगड़ा से पवन काजल को टिकट दिया गया है। शाहपुर से सरवीन चौधरी को टिकट दिया गया है। धर्मशाला से राकेश चौधरी को टिकट दिया गया है। पालमपुर से त्रिलोक कपूर को टिकट दिया गया है। बैजनाथ से मुलखराज प्रेमी को टिकट दिया गया है। लाहौल स्पीति से रामलाल मारकंडे को टिकट दिया गया है। मनाली से गोविंद सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। बंजार से सुरेंद्र शौरी को टिकट दिया गया है। करसोग से दीपराज कपूर को टिकट दिया गया है। सुंदरनगर से राकेश जम्वाल को टिकट दिया गया है। नाचन से विनोद कुमार को टिकट दिया गया है। दरंग से पूरनचंद ठाकुर को टिकट दिया गया है। जोगेंद्र नगर से प्रकाश राणा को टिकट दिया गया है। धर्मपुर से रजत ठाकुर को टिकट दिया गया है। मंडी से अनिल शर्मा को टिकट दिया गया है। सरकाघाट से दिलीप ठाकुर को टिकट दिया गया है। बल से इंद्र सिंह गांधी को टिकट दिया गया है। भोरन से अनिल धीमान को टिकट दिया गया है। सुजानपुर से रंजीत सिंह को टिकट दिया गया है। हमीरपुर से नरेंद्र ठाकुर को टिकट दिया गया है। नदौन से विजय अग्निहोत्री को टिकट दिया गया है। चिंतपूर्णी से बलवीर सिंह चौधरी को टिकट दिया गया है। गगरेट से राजेश ठाकुर को टिकट दिया गया है। कुटलहर से वीरेंद्र कंवर को टिकट दिया गया है। झंटूता से जेआर कटवाल को टिकट दिया गया है। घुमारवी से राजेंद्र गर्ग को टिकट दिया गया है। बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल को टिकट दिया गया है। नैना देवी से रणधीर शर्मा को टिकट दिया गया है। अर्की से गोविंद राम शर्मा को टिकट दिया गया है। नालागढ़ से लखविंदर राणा को टिकट दिया गया है। दून से सरदार
परमजीत सिंह पम्मी को टिकट दिया गया है। कसौली से राजीव सहजल को टिकट दिया गया है। पच्छाद से रीना कश्यप को टिकट दिया गया है। नाहन से राजीव बिंदल को टिकट दिया गया है। रेणुका जी से नारायण सिंह को टिकट दिया गया है। पौंटा साहिब से सुखराम चौधरी को टिकट दिया गया है। शिलाई से बलदेव तोमर को टिकट दिया गया है। चौपाल से बलवीर वर्मा को टिकट दिया गया है। ठियोग से अजय श्याम को टिकट दिया गया है। कसुमटी से सुरेश भारद्वाज को टिकट दिया गया है। शिमला शहरी से संजय सूद को टिकट दिया गया है। शिमला ग्रामीण से रवि मेहता को टिकट दिया गया है। जुब्बल कोटखाई से चेतन ब्राक्टा को टिकट दिया गया है। रोहडू से शशि बाला को टिकट दिया गया है। किन्नौर से सूरत नेगी को टिकट दिया गया है। सोलन से राजेश कश्यप को टिकट दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दोनों राजनीतिक दलों ने काफी सोच विचार कर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें कांग्रेस ने अभी तक 46 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने 62 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। बाकी बची सीटों पर शीघ्र ही दोनों पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी।